हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने घरों पे सुरक्षित होंगे। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना प्लस वन क्लास का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपके पास एटम क्या होता है और एटम को आगे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। तो हमने कहां तक कवर किया था? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तक। किसने एक्सपेरिमेंट किया था? माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो अब यही सेम एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट, थॉमसन ने भी किया, जे जे थॉमसन ने। उन्होंने किस लिए किया? मास और चार्ज रेशियो निकालने के लिए, कि जो आपके पास मास होगा इलेक्ट्रॉन का और जो चार्ज होगा उनका रेशियो निकालने के लिए यही वाला कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। ठीक है, अब ये थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या है उसमें क्या लिया था? कैथोड रे ट्यूब ली थी, वही दो इलेक्ट्रोड्स लिए थे, सेम टू सेम वही प्रोसीजर था। बट उन्होंने मान के चले थे कि एक प्रिंसिपल मान के चले थे कि किस प्रिंसिपल पे उनका जो काम है वर्क करेगा। तो क्या प्रिंसिपल माना था उन्होंने? उनका प्रिंसिपल था, पहले नाम देख लेते हैं क्या था एक्सपेरिमेंट का, थॉमसन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटेक्टिंग चार्ज एंड मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने क्या बोला कि जो, जैसे हमने बताया था कि जो आपकी जो कैथोड रेज आ रही थी, कैथोड रेज क्या थी? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जो उन्होंने पीछे एक्सपेरिमेंट किया गया था माइकल फैराडे का, कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस्ड क्वांटिटी में हो, बैलेंस हो, तो आपके पास क्या होता है? तब आपके पास स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं कैथोड रे, या फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक ही बात है। तो अब ये ट्रेवल करते हैं आपके पास स्ट्रेट, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, रेज है, वो यहाँ डिफ्लेक्ट होगी, यहाँ डिफ्लेक्ट होगी, ये यहाँ डिफ्लेक्ट होगी, कितने एंगल से? मतलब अगर आप बात करो कि ये जो नॉर्मल रे है ये कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हो सकती है, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा किस पे? कि आपके पास चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कि आपके पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आता क्या है, मास क्या है इलेक्ट्रॉन का, और सबसे इम्पोर्टेंट किस पे डिपेंड करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कि आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कितनी अप्लाई कर रहे हो, या आप खाली सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, या हो सकता है आप कर रहे हो दोनों फील्ड अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या है ये एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके अकॉर्डिंग सेम एक्सपेरिमेंट था। इस डायग्राम को देख के कंफ्यूज नहीं होना, डायग्राम क्या है? वही कैथोड है, वही एनोड है, वही आपके पास क्या है, वोल्टेज अप्लाई की हुई है, और वही आपके पास लो प्रेशर पे गैसेस ली जाएंगी। अब यहाँ पे क्या किया है, एक स्पेशली मैग्नेट, वहां पे भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि मैग्नेट है आपके पास, ये मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल दिखाया हुआ है एनओरएस। तो यहाँ से आपके पास जैसे ही पास की रेस, कैथोड रेस, ये क्या है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास तीन जगह डिफ्लेक्ट होते हैं, एक तो है एंगल ए पे जाते हैं, एक बी पे जाते हैं, एक सी पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, ये होता कब कब है? थॉमसन ने ऑब्जर्व किया कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, फर्स्ट क्या ऑब्जर्व किया, आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो आपके पास क्या है, ए पे आते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या? जब सिर्फ और सिर्फ क्या किया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की आपने इसी एक्सपेरिमेंट पे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो डिफ्लेक्ट हुए कहाँ पे, ए पे। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो आपके पास कहाँ आते हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होके, नॉर्मल यहाँ से स्ट्रेट जाते जाते कहाँ आते हैं, डिफ्लेक्ट होके सी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो सी पे कब आएंगे, जब आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई। ठीक है, लेकिन इन केस जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तब वो क्या है, एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। ये तो आपको नॉर्मल माइकल फैराडे ने भी लास्ट एक्सपेरिमेंट में बताया था कि जब आप क्या करते हो, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, दोनों को बैलेंस करके चलोगे, तो अब आपके सीधे इलेक्ट्रॉन क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे, और कहां ऑब्जर्व होंगे, बी पॉइंट पे। मतलब बी पे कब ऑब्जर्व होंगे, जब क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे, तीन पॉइंट्स ऑब्जर्व किए इसमें। सबसे पहले तो क्या था, प्रिंसिपल बताया कि जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेगा, आपका डिपेंड करेगा कि चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन पे, मास क्या है इलेक्ट्रॉन का, और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ क्या है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो अब आपके पास क्या था, क्या ऑब्जर्व किया गया, इससे ऑब्जर्वेशन क्या आई कि अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ए पॉइंट पे जाते हैं,
अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो सी पॉइंट पे जाते हैं, और अगर से आप दोनों बैलेंस करके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हो तो कहाँ पे आते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन, ऑब्जर्व होते हैं बी पॉइंट पे। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं इसको कि आपके पास इफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई देन इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्टेड टू पॉइंट ए, इफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड देन इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्टेड टू पॉइंट सी, इफ वी बैलेंस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड देन द इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्टेड एट पॉइंट बी। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन की गई थी। इसके बाद आपके पास, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसके बाद आपके पास आता है मास एंड चार्ज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो, अब नॉर्मली सीधी सी बात है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन एटम ही इतना छोटा है जिसको हम नेक डाई से नहीं देख सकते, ठीक है। तो उसका सिंपली आप मास निकालना या सिंपली चार्ज निकालना, मतलब उसको देखना और उसके बाद उसको मेजर करना, उसका मास निकालना, इतना इजी तो नहीं है। तो उसके लिए क्या किया गया, मास और चार्ज का रेशियो निकाला गया। रेशियो निकाल के फिर हमने क्या किया, मास अलग से निकाला और आपके पास चार्ज अलग से कैलकुलेट किया गया, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक क्या है, थॉमसन ने क्या किया था, मास और चार्ज का रेशियो निकाला था, फिर चार्ज किसने निकाला था, ये सब चीजें अगले एक्सपेरिमेंट में, मतलब इसी का ही पार्ट है, मास एंड चार्ज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। टॉपिक है चार्ज एंड मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, चार्ज और मास रेशियो का एक्सपेरिमेंट आपके पास कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही किया जे.जे. थॉमसन ने, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और जो आपके पास मास है, उसका रेशियो निकाला। मतलब आपके पास अगर हम बात करें ई बाय एम निकाला। ई क्या है आपका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये निकाला किससे, इसको निकाला इन्होंने किससे, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसी ट्यूब एक्सपेरिमेंट से क्या किया गया, ये रेशियो निकाला, ठीक है। किसने निकाला, जे.जे. थॉमसन ने। जे.जे. थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ई बाय एम का रेशियो निकाला। क्या रेशियो निकाला, फाइंड आउट किया, तो उनको क्या निकला, ई बाय एम इज इक्वल टू 1.76, एग्जैक्ट क्या है, 1.76 इंटू 10 रेस टू पावर 8 कूलम्ब पर ग्राम। ये था ई बाय एम का रेशियो, 1.76 इंटू 10 रेस टू पावर 8 कूलम्ब ग्राम, ये आपके पास आया ई बाय एम का रेशियो। किसने निकाला, जे.जे. थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। कैसे निकाला, ये सब चीजें देखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जे.जे. थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसके थ्रू ई बाय एम का रेशियो निकाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, आर ए मुलिकन ने सिर्फ चार्ज ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन निकाला। उन्होंने क्या किया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया, कौन से एक्सपेरिमेंट से किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो देखिए क्या था, आर ए मुलिकन आए कुछ टाइम बाद, ये भी क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और क्या फाइंड आउट किया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या निकाला, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना फाइंड आउट किया, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, जो कि क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होता है, ठीक है। तो जे.जे. थॉमसन ने परफॉर्म किया, ई बाय एम का निकाला आपके पास रेशियो, और यहाँ से इन्होंने आर ओ मुलिकन ने क्या निकाला, चार्ज और इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज को हमने क्या माना था, ई माना था, तो ई आपके पास आ गया यहाँ से 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। तो अगर आपको अब यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, ई बाय एम ऑलरेडी आपके पास है, ई आपके पास है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ई बाय एम को अगर ई से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखें, या फिर उल्टा, नॉर्मली क्या, ई को चार्ज को क्या कर दे, ई बाय एम से डिवाइड कर दे, क्योंकि हमें मास चाहिए तो मास ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ से देखो, ई बाय एम को करेंगे तो ई डिवाइडेड बाय ई इंटू एम आ जाएगा, ई से ई कट जाएगा, बस, तो सिर्फ और सिर्फ एम आ जाएगा, हमें क्या चाहिए, एम ही चाहिए, ठीक है। तो क्या आ गया, यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ई क्या है आपके पास, अभी किया हमने 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ई बाय एम कितना है आपके पास, ये निकाला 1.76
1.76 × 10⁻⁸ कूलम्ब पर ग्राम हो गया आपके पास। ठीक है, कूलम्ब पर ग्राम है, यहाँ से कूलम्ब से तो कूलम्ब कट गए, पर ग्राम क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। फिर इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो इसको सोल्व करके नौ सीधी वैल्यू लिख लो, 9.11 × 10⁻¹⁹ और -20 -8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -27 हो जाता है, -27 ग्राम। ये होता है आपके पास मास ऑफइलेक्ट्रॉन। और अगर इसी को केजी में करना हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 28 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 9.1 × 10⁻³⁻³ केजी आ जाएगा। तो यही आपको ध्यान रखना होता है कि आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केजी में कितना होता है, 9.1 × 10⁻³⁻³ केजी। तो यहाँ से हमने क्या क्या फाइंड आउट किया, एक तो हमें क्या निकला, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमें याद रखना होता है कितना, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है आपके पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें केजी में करते हैं, 9.1 × 10⁻³⁻³। ठीक है, तो क्या था, जस्ट फटाफट से रिवाइज कर देते हैं, क्विक रिवाइज के। आपके पास जेजे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ई बाय एम चार्ज बाय मास का रेशियो निकाला, रेशियो कितना था, 1.76 × 10⁻⁸ कूलम्ब पर ग्राम था। और फिर आर ए मोलिकर ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और क्या निकाला, चार्ज और इलेक्ट्रॉन निकाला, जो कि क्या था, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। तो उसके अकॉर्डिंग हमने जब क्या किया, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया, मान लो ये क्या था, फर्स्ट था ये सेकंड था, हमने क्या किया, सॉरी सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास एम आ गया, हमें वही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए था, डिवाइड करके क्या आ गया आपके पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻²⁸ ग्राम आ गया, और -28 ग्राम आ गया। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, केजी में करोगे तो 9.1 × 10⁻³⁻³ आ गया। तो ये था आपके पास चार्ज एंड मास रेशियो का कॉन्सेप्ट। तो अब समझ में आया कि आपको ये जो फर्स्ट कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, किया किसने था, माइकल फैराडे ने किया था, बट उसकी जो फुल डिटेल बताई थी कि मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और कितने एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो कितना डिफ्लेक्शन होगा, कितना नहीं होगा, डिफ्लेक्शन डिपेंड किस पे करता है, ये सब चीजें किसने बताई थी, जे थॉमसन ने बताई थी। तो एक्चुअल डिस्कवरी का श्रेय इसलिए हमारे पास किसको जाता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का, जे थॉमसन को जाता है। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आपके पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसी हुई थी, कौन से एक्सपेरिमेंट से हुई थी और कैसे की थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एमिनेंस क्लासेस को। और इसी वीडियो के नोट्स और बाकी एनसीईआरटी के नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पर चैनल है केमिस्ट्री विद मुस्कान के नाम से, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको हर तरह के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।